अब खबर अंबिकापुर से है, जहां भारतीय जनता युवा मोर्चा ने बेरोजगारी के मुद्दे पर प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान युवा मोर्चा ने कलेक्टर कार्यालय का घेराव भी किया, तो वहीं बीजेपी के प्रदर्शन को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस के जवान भी कलेक्ट्रेट के बाहर तैनात रहे। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झूमाझपटी भी देखी गई। ₹2500 बेरोजगारी भत्ता का झूठा वादा इन्होंने किया, पीएससी को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया, अनियमित कर्मचारियों को 10 दिन में नियमितीकरण करेंगे बोले तो नहीं दिया। ये सिंहदेव जी खुद कहते कि 8 लाख गरीबों का मकान इस सरकार ने नहीं बनाया। इस तरह से सबको ठगने का काम किया और युवाओं के लिए आज हम सड़क की लड़ाई को लड़ रहे हैं और विपक्ष का धर्म निभाते हुए लगातार लड़ाई हम लड़ते रहे। आंदोलन आगे भी जारी रहेगी? निश्चित रूप से आंदोलन आगे जारी रहेगी। 24 अगस्त को प्रदेश स्तर पर हम मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने जा रहे हैं। यह आंदोलन लगातार चलता रहेगा और हर वर्ग की लड़ाई को, हर वर्ग की आवाज़ बनने का काम हम करते रहेंगे। ये आंदोलन से ये कितना प्रभाव पड़ेगा राज्य सरकार के ऊपर? निश्चित रूप से इसके कान पे जूरे गाने के लिए, इस कान तक आवाज़ पहुंचाने के लिए, सड़क की लड़ाई करने के लिए हम मजबूर हुए हैं। अगर सरकार नहीं सुनती है तो जनता इसको सबक सीखे। विधायकों का वेतन